बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुल हादी इस सिलसिले में एक और वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंतहाई अहम अपडेट की है कि डेट शीट बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की अपडेट कर दी है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन में जाना है और डेट शीट में ओपन करने है, यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपके सामने पहली डेट शीट फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री आर्ट साइंस पार्ट टू एनुअल 2020 टू बी हेल्ड ऑनलाइन इन अगस्त सितंबर 2020। ठीक है, डेट शीट क्लिक है टू डाउनलोड, ओपन करते हैं जी। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर डेट शीट ओपन हो चुकी है। तो डेट शीट पहले आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन नंबर 106 और डेट शीट फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री साइंस पार्ट टू एनुअल एग्ज़ाम टू बी हेल्ड इन अगस्त सितंबर 2020। यहाँ पर रिटर्न के वाले से परेशान नहीं होना, रिटर्न एग्ज़ाम पुरानी एक कह लें कि रिटर्न जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वही समझ लें, फाइनल एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा और यहाँ पर ये ऑनलाइन मतलब है, ये ऑनलाइन होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। ठीक है, डेट शीट पढ़ने से पहले आपको नीचे आखिरी दो लाइनें बता देता हूँ कि सबसे पहले डेट देख लें कि आज ही डेट की अनाउंसमेंट हुई है, आज ही डेट शीट पब्लिश हुई है और ये देख लें देयर विल बी फोर ग्रुप्स हैं और फर्स्ट ग्रुप का टाइम 8:30 से लेकर 10 बजे तक है और एक पेपर का टाइम 1.5 घंटा होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट होंगे। और उसके बाद सेकेंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और तीसरा ग्रुप 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक और चौथा ग्रुप है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा बॉटनी, केमिस्ट्री, जुआलॉजी, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक विल बी आ 45 मिनट ड्यूरेशन, ये पेपर होगा इन सब्जेक्ट्स का 45 मिनट का होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक हो गया, तो डेट शीट के वाले से आपने यहाँ पर देख लेना ग्रुप 1, 2, 3, 4 ग्रुप्स लिखे होंगे। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि डेट शीट किस तरह पढ़नी है कि 5 अगस्त वेडनेसडे साइकोलॉजी का पेपर होगा, मॉर्निंग इवनिंग लिखा होगा 2, 3, 4 वालों का साइकोलॉजी का पेपर होगा और मैथ 1, 2 और इंटरनेशनल रिलेशन ग्रुप 1, वुमेन स्टडीज़ ग्रुप 2। इस वाले से ग्रुप के वाले से आपको जब आपको ईमेल आएगी या आपको रिटर्न हार्ड फॉर्म में या ईमेल की सूरत में जब डेट शीट आएगी वहाँ पर ऑनलाइन स्लिप आएगी, वहाँ पर आपको ग्रुप के वाले से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 अगस्त को होगा जर्मन का, पंजाबी का और 7 अगस्त को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं होंगे पर्शियन होंगे, 2 बॉटनी वगैरह होंगे। उसके बाद 8 अगस्त को ज्योग्राफी इस्लामिक स्टडी ऑप्शनल है, अरेबिक। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त को जुआलॉजी और बाकी नहीं होंगे। उसके बाद 10 अगस्त को ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स वगैरह, जर्मन, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उनके वाले इनके ग्रुप्स साथ मौजूद होंगे। उसके बाद 11 अगस्त को पर्शियन का, 12 अगस्त को पर्शियन ऑप्शनल है, 13 अगस्त फाइन आर्ट्स मैथमेटिक्स कोर्स ए कोर्स 2 मैथमेटिक्स जनरल 2, उसके बाद 15 अगस्त जेनेटिक्स इस्लामिक स्टडीज़, 16 अगस्त बॉटनी, 17 अगस्त जुआलॉजी इस्लामिक स्टडीज़, 18 अगस्त इंग्लिश बीएससी, 19 अगस्त इंग्लिश बीएससी सोशियोलॉजी 2 फ्रेंच तुर्कश म्यूज़िक 2, 20 अगस्त इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, 21 अगस्त इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, 22 अगस्त इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी, 23 केमिस्ट्री, 24 इसी तरह ये आप के पेपर एंड होंगे 4 सितंबर को बायोकेमिस्ट्री हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सेकंड के वाले से। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस तरह से करेंगे आपने सब्जेक्ट्स को नोट कर लें किस डेट को पेपर्स होंगे। ठीक है, और जैसे आपको ईमेल या हार्ड फॉर्म में जिस तरह आप यूनिवर्सिटी फैसला करती है, उम्मीद है कि ईमेल ही आएगी आपको, हार्ड फॉर्म में बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसे ही पेरियड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, उस वाले से जब आपको ग्रुप्स के वाले से क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप के सवाल पता चल जाएगा किस टाइम आपका पेपर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप सब्जेक्ट नोट कर लें और डेट नोट कर लें और अपने उस वाले से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लें ताकि आपको इस तरह की आने वाली पेटेड इन्फॉर्मेशन, पक्की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।